हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके संग शेयर करने वाली हूँ बहुत ही नई रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे आलू और सूजी से। और इसका नाम मैं आपको वीडियो के बीच में ही बताऊंगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और ये गैस कर दिया है इसको ऑन, और 2 चम्मच इसमें डाला है ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो मैंने इसमें 1/2 छोटी चम्मच डालिए इसमें जीरा, और साथ ही में सौंफ ऐड करना है आपको। दोनों चीज़ आधी आधी ऐड करनी है और थोड़ा सा इसे पका लेते हैं। तो ये पक चुका है, तो मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया। पानी आपको उतना लेना है जितनी आपने यहाँ पे सूजी लेनी है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ऐड किया है और मैं यहाँ पे 1 कप सूजी ले रही हूँ। तो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं 1 चम्मच, और पानी में अच्छी तरह से उबाल आने देते हैं। तो ये देखिए पानी में हमारी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। तो मैं इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा और इसे ये मिक्स कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 कड़ी पत्ता लिए हैं, इसे मैंने बारीक कट करके ऐड कर दिया है। और मैं यहाँ पे 1 कप सूजी ले रही हूँ। तो सूजी आपको एक हाथ से सूजी ऐड करनी है धीरे धीरे, और एक हाथ से मिक्स करते जाइए। गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल स्लो कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। तो अब आपको ढक्कन ढक के इसे 1 मिनट के लिए ढक्कन ढक के बिल्कुल स्लो गैस पे पका लेना है, ताकि सूजी हमारी अच्छी तरह से पक जाए। तो ये देखिए 1 मिनट मेरे पूरे हो चुके हैं, सूजी हमारी सारी अच्छी तरह से पक गई है। तो इसे अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बर्तन में सूजी निकाल ली है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड किया है, और ये हैं 2 आलू जिसे मैंने उबाल के रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। आपको 1 कप सूजी में 2 आलू ऐड करने हैं, और मैंने इसमें थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च ऐड की है, और 2 चम्मच चाट मसाला ऐड किया है। चाट मसाला आपको ज़रूर ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1/2 छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर आपको ऐड करना है। आपके पास सौंफ पाउडर ना हो तो कोई बात नहीं, इसमें आपने सौंफ ऐड की हुई है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपको, जैसा आप आटे वो रोटी का डो लगाते हैं, आपको उसी तरह से लगा लेना है। और थोड़ा सा हाथों में आपको रिफाइंड ऑयल लगा लेना है, इसे हल्का सा चिकना कर लीजिए। तो मैंने इसे चिकना कर लिया है। तो इस तरह से आपको छोटी सी ले लेनी है रोलोई, और इस तरह से गोल कर लीजिए, और बीच में ये देखिए इस तरह से छेद कर लीजिए। तो इसका नाम है वड़ा, सूजी स्मॉल वड़ा। तो इस तरह से आपको सारे वड़े बना के रेडी कर लेने हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी शेप आती है इसे, आपको जैसी आपकी मर्जी हो आप उस शेप में इसे बना सकते हैं। मैंने इसे थोड़ा सा वड़ा शेप में बनाया है, और छोटे छोटे बनाने हैं आपको, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। तो इसी तरह से मैं सारे वड़े बना के रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही जल्दी बन जाते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी आपको नहीं होगी, बहुत जल्दी बन जाते हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखिए सारे वड़े मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है, ये है मैदे की स्लरी। कुछ नहीं करना आपको, 4 चम्मच मैदा लेना है, और उसे हल्का हल्का पानी ऐड करके इसे इस तरह में लिक्विड कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड क्रम्स। तो ये देखिए वड़ा हमारे सारे बन के रेडी है। तो आपको क्या करना है, इसे ये मैदे की स्लरी में डिप करना है, और डिप करके इसे दूसरे हाथ से इसे कोट कर लीजिए ब्रेड क्रम्स से। इससे क्या होगा, बहुत ही क्रंची हमारे ये स्मॉल वड़ा बन के रेडी होंगे। आप चाहे तो इसके बिना भी इसे फ्राई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पर इससे कोट करने से आपके वड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे बाहर से, और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे।
तो सारे मैंने इसी तरह से करके रेडी कर लिए थे कोट करके ब्रेड क्रम्स में, और आपको इसमें ऑयल में फ्राई कर लेने हैं। तो मैं यहाँ पे सेलो फ्राई कर रही हूँ, डिप फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो तेल आपको अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद ऐड करने हैं, वरना ये हमारे वड़े फट सकते हैं। और वड़े ऐड करने के बाद 2 मिनट तक बिल्कुल मत छेड़िएगा, जब तक ये नीचे से रेड रेड से ना हो जाए। तो ये देखिए 2 मिनट मेरे पूरे हो चुके थे, मैंने इस फॉक की सहायता से सारे वड़े उल्टे कर दिए थे, और इस तरह से आपको ऊपर नीचे करते हुए पका लेने हैं, ये देखिए गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए मेरा अच्छी तरह से वड़े पक चुके हैं, ये देखिए कलर कितना अच्छा प्यारा आया हुआ है। तो मैंने इसे प्लेटिंग कर ली है, तो आप इसे चटनी के संग खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चटनी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे वड़े लग रहे हैं, स्मॉल वड़े बहुत ही टेस्टी है। तो आप इसे कभी भी बना के अपनी फैमिली को खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।